अच्छा देखो क्या होता है, अगर कोई एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, Na+1 लूजिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। व्हेनेवर एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा दूसरी बात कि कोई भी एटम है ना, उस पे जो भी चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है मैग्नीशियम, वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो Mg+2 बना लेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। इसके ऊपर जो चार्ज था यहाँ पे, इसलिए था 0। अगर कोई इंडिपेंडेंट एलिमेंट है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो 0 होते हैं। क्यों 0 होते हैं? क्योंकि ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में होगा, इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जैसे मैग्नीशियम है, उसके पास 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा? 0। सिमिलरली कैल्शियम जो है, उसके पास 20 प्रोटॉन्स है और 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर भी नेट चार्ज 0 है। इसी तरह मैग्नीशियम जो था एलिमेंटल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अपनी, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर चार्ज जो है वो +2 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, इस चार्ज को हम और भी नामों से बुलाते हैं, जैसे कि वैलेंसी चार्ज, या इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारी एक ही चीज है। सही। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। जाहिर है, जब नेगेटिव चार्ज निकाल दोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। इसको याद रखने का सबसे सही तरीका ये है कि अगर आप एक नंबर लाइन बना लो, ये लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है +1, यहाँ पे लिखा हुआ है +2, यहाँ पे लिखा हुआ है -1, यहाँ पे है -2, और ये चार्ज जो है वो 0 से +2 गया है। 0 से +2 गया, तो नंबर लाइन में ये चार्ज आगे गया है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। OS इज फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बनती है, सबसे पहली डेफिनेशन इसकी बनती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अगर मेरे पास क्लोरीन है, Cl2, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनेगा Cl। अच्छा, Cl2 तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, खैर अगर मेरे पास लेट्स से Cl- की फॉर्म में था ऑलरेडी, ठीक है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने क्या बनाना है? Cl2, और एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे Cl2 बना है, मतलब 2 क्लोराइड आयन होंगे, और वो हर एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अच्छा, हमें पता है कि हम लोगों ने मोल्स पढ़ा हुआ है, तो हम लोग जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो ये जो नंबर होता है ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, 2 मोल ऑफ Cl- लूजेस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Cl2। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है? इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन की और भी डेफिनेशंस होती हैं, जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनमें ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है। तो ये 2 डेफिनेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और होती है, जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दी हुई है ऑक्सीडेशन की। सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये वाली हमने देख ली। कैल्शियम है, इसने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करे,
CO2 पॉजिटिव बन गया। सब में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस वन हो गया, ये जीरो से प्लस टू हो गया। जहाँ पे आयरन Fe2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में था उसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करा और Fe3 पॉजिटिव आयन बन गया। अगेन दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमारे पास जैसे ये वाली क्लोराइड की एग्जाम्पल दी, इसी तरह हाइड्रोक्साइड एनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी इक्वेशन ये बनती है। अच्छा ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का जो चैप्टर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये इक्वेशन ना हमें याद करनी पड़ेगी हाइड्रोक्साइड एनायन की। इलेक्ट्रोलिसिस में ये याद करनी है, अगर यही याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना वहां पे तो करनी पड़ेगी याद ये। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो हम हमेशा इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। देखो सब में इलेक्ट्रॉन जब भी लूज हुए हैं तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखे गए। इसी तरह ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और होती है, ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। पराठा खा लिया मैंने बस। अदीजा माइक बंद करो। ठीक है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया SO3, SO2 से SO3 बन गया, तो इसको हम कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन की हमारे पास दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन कह दो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह दो। इसी तरह ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन हमारे पास बनती है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर हाइड्रोजन लूज करता है तो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे HCl है, HCl और MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड जब ये रिएक्ट हुआ तो बना मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे HCl को अगर देखो तो HCl में जो क्लोरीन है उससे हाइड्रोजन निकल गया है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इसको हम क्या कहेंगे, HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसमें बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन उससे निकल रहा है, तो उसको अभी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन की टोटल डिफाइन करने में हमने चार डेफिनेशंस पढ़ ली हैं अब तक। फर्स्ट इज कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी हमने देखी कि जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। चौथी हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन जब हाइड्रोजन लूज होगा तो उसको हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन सभी ये वाली है, 4OH नेगेटिव 2H2O प्लस O2 प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन ना आपने इलेक्ट्रोलिसिस में याद तो करनी है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इक्वेशन है ना वो खुद ही बनाना आ जाएंगी आपको। जैसे Cl नेगेटिव है इसी तरह Br नेगेटिव की ब्रोमाइड आयन की भी ऐसी होगी, Br2 बनाएगा क्योंकि वो भी ग्रुप 7 का ही है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 Br नेगेटिव। इसी तरह आयोडाइड की भी ऐसी ही होगी इक्वेशन, 2i नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल फॉर्म I2 एंड इट विल लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा ऑक्सीडेशन की जो चार डेफिनेशंस हमारे पास है ना, इन चार डेफिनेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, मतलब ये दोनों तो एक ही चीज बता रही है ना आपको, ये दोनों हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी याद रखना, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी याद रखना।
लेकिन ज्यादातर हम लोग यूज जो है ना ये पहली दो वाली कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई सवाल किसी का यहाँ तक? पूछो मौजम। मौजम कुछ पूछ रहे हो आप तो पूछ लो, माइक खोल लो। ओके, ऊपर वाले क्वेयर में ऐसा पूछो। क्या बोला, आवाज नहीं आई पूरी? सर, मैं पूछ रहा हूँ ऊपर वाली क्वेयर में ऐसा फोर क्यों नहीं हुआ? SO4 क्यों नहीं हुआ? अच्छा देखो, क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो तो आप रिएक्शन करवाने के बाद ही पता लगाते हो ना, कि कार्बन जो है, आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये CO3 क्यों नहीं बन रहा, या ये CO क्यों नहीं बन रहा सिर्फ, या ये CO4 क्यों नहीं बन रहा। तो रिएक्शन जो है वो आपको बताया जा रहा है अभी। सही है, SO2 ऑक्सीजन के साथ SO3 बनाता है, ये रिएक्शन है। अब तुम्हें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, तो उसकी कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग में होता है तो हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इनकम्प्लीट कम्बशन जिसको हम कहते हैं। सही, तो अभी जो रिएक्शन दिया जा रहा है वो रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन रखना है आपने। अच्छा, दूसरा ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, Na जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आयन बना रहा था ना, रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब Na जो है वो Na+1 वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस Na एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज नोन एज रिडक्शन। इसमें देखो तो यहाँ पे Na+1 था, सोडियम जो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो वो जीरो हो गया, तो इसका चार्ज जो है वो +1 से जीरो हुआ, तो दिस इज नोन एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है ना, +1 से जीरो जाना मतलब डिक्रीज। अगर ये चीज याद ना रहे तो अगेन ऐसे नंबर लाइन बनाना है, 0+1+2+3 -1 -2 -3। अब अगर देखो तो Na+1 से जीरो गया है, तो पीछे लेफ्ट फुट अगर जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो इट मींस डिक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी या चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। तो रिडक्शन का हम ये भी कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ड्यू टू रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे Cl2 था, अब ये अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल फॉर्म 2Cl-, तो दिस इज आल्सो टर्म्ड एज रिडक्शन। इसमें देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, क्लोरीन सिंपल मॉलिक्यूल है, उस पे जो चार्ज होगा वो होगा जीरो, और Cl-1 हो गया, तो जीरो से माइनस वन क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, जीरो से माइनस वन देखो फिर पीछे जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, एंड ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन का ही उल्टा हो गया। अब ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, Na पॉजिटिव है, +1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। इसी तरह आयरन देखो, Fe3 पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 पॉजिटिव बन गया। अब अगर आयरन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो ये क्या बन जाता है, Fe+1, और अगर आयरन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये Fe बन जाएगा। जैसे आयरन, अगर मैं कह रहा हूँ Fe3+ है, अगर वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो Fe बन जाएगा, लाइक दिस। सही, तो
जब भी रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी या चार्ज जो है, या इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो वो डिक्रीज होगा। इसी तरह जैसे ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था, इसी तरह रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन बन जाएगा। तो जैसे ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन और बनाई थी ना, इसी तरह रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन मजीद बनेंगी, जिसमें रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन जैसे पहली इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया और ये क्या बना, कॉपर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुई है कॉपर से। इसी तरह ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। जैसे क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन आके लग गया तो ये HCl बन गया, तो ये क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगेन इन चारों डेफिनेशन को समराइज करो रिडक्शन के लिए, तो हमारे पास रिडक्शन के लिए भी चार डेफिनेशन ये बन जाएंगी जो ऑक्सीडेशन के लिए बनी थी। जैसे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब चारों पॉइंट्स अपोजिट होते हैं बिल्कुल। और इसको हम याद कैसे रखते हैं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड से जो कि है ऑयल रिक, ऑयल OIL रिक। इसमें O इज फॉर ऑक्सीडेशन, is L is for loss and reduction is gain. सही है। So oxidation is loss of electron, reduction is gain of electrons. जब भी oxidation state, तो क्या कहते हैं, electron lose होंगे तो oxidation state क्या हो जाएगी, increase in oxidation state. और जब भी gain होगा electron का तो oxidation state decrease हो जाएगी। सही है। ये दोनों डेफिनेशन ज्यादातर चल रही होती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट होती है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? क्या अली, क्या नोट करना है? ये हैंडआउट मैं ग्रुप पे भेज भी दूंगा अभी। नोट क्या करना है कर लो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना चाह रहे हो तो। अली अदनान, क्या नोट करना चाह रहे हो बताओ मुझे, मैं स्क्रीन खोल देता हूँ अभी। ओके अच्छा देखो, हमारे पास कभी भी जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे मैंने Na पॉजिटिव लिखा प्लस वन, तो इस पे चार्ज प्लस वन है। इसी तरह हमारे कुछ एनाइन से कार्बोनेट CO3 टू नेगेटिव, तो इस पे चार्ज माइनस टू होता है ओवरऑल, NO3 माइनस वन। तो ये जो कार्बोनेट पे टू नेगेटिव चार्ज है ना, ये पूरे के पूरे CO3 पे, ऑक्सीजन पे नहीं है सिर्फ। इसी तरह नाइट्रेट पे जो चार्ज है वो CO3 नेगेटिव, ये है पूरे नाइट्रेट पे। इसी तरह सोडियम पे जो चार्ज है वो सिर्फ सोडियम के ऊपर ही है, क्योंकि सोडियम अकेला है। इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें मैं कोई चार्ज नहीं लिखता, तो इसका क्या मतलब है कि इस पे चार्ज क्या है, जीरो है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब जीरो है। इसी तरह क्लोरीन है Cl2, इस पे मैं कोई चार्ज नहीं लिखता, मतलब इस पे भी जीरो है। इसी तरह हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन है O2, इन पे चार्जेस जीरो है। जैसे NaCl है, NaCl पे तो हम कोई चार्ज नहीं लिखते ना ऊपर, ओवरऑल चार्ज तो कुछ नहीं होता, जीरो। ओवरऑल चार्ज जीरो क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का चार्ज है प्लस वन और क्लोरीन का चार्ज है, क्लोराइड जब बनता है तो माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे ग्रुप वन होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन बनाते हैं, ग्रुप टू वाले प्लस टू बनाते हैं, इसी तरह ग्रुप थ्री वाले प्लस थ्री बनाते हैं, ग्रुप फोर जो है वो प्लस माइनस फोर कह सकते हो, ग्रुप फाइव जो है वो माइनस थ्री, ग्रुप सिक्स माइनस टू, ग्रुप सेवन माइनस वन। अच्छा ये और ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। जैसे आयरन को हमने पीछे देखा कि आयरन जो है वो प्लस टू भी बना रहा था, आयरन प्लस थ्री भी बना रहा था। मतलब जब आयरन का दिल चाहता है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब आयरन का दिल चाहता है तो वो तीन इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है।
इलेक्ट्रॉन लूज होने से ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए इंक्रीज होती है, देखो Na है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो प्लस वन बनाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन जब लूज नहीं किए हुए तो उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं, सोडियम जो है सभी है, उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं, तो उस पर नेट चार्ज क्या है हमारे पास, जीरो। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा तो प्रोटॉन तो प्लस 11 ही रहेंगे ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो माइनस 10 हो जाएंगे, तो उस पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस 1। तो ये जो उसका चार्ज है ना प्लस 1, यही तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। और पहले क्या चार्ज था उसका, जीरो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से कहाँ हो गई, प्लस वन। तो जीरो से प्लस वन जाना इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ना, नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है ना, जीरो यहाँ पे, जीरो से प्लस वन जाना। तो जब नंबर लाइन पे आप राइट साइड पर ट्रेवल करते हो, इट मीन्स दैट इज एन इंक्रीज। दैट्स वाई व्हेनेवर एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। देखो ना नेगेटिव जब उसमें से निकल जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सभी क्लियर हुई चीज? ओके अच्छा, हम बात कर रहे थे NaCl की। तो NaCl पे जो ओवरऑल चार्ज हम लिखते हैं वो तो हम लिखते हैं जीरो। रीजन, क्योंकि Na जो होता है वो प्लस वन होता है, Cl माइनस वन होता है। लेकिन साथ में कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि उनका दिल चाहता है तो वो प्लस टू, उनका दिल चाहता है तो वो प्लस थ्री, उनका दिल चाहता है तो प्लस वन। जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में एलिमेंट मिक्सर एंड कंपाउंड पढ़ते वक्त बोला था कि अगर आयरन के साथ यूं लिखा हुआ है आयरन टू ऑक्साइड, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें आयरन की वैलेंसी या चार्ज जो है वो प्लस टू है और ऑक्सीजन माइनस टू होता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो FeO बनेगा। लेकिन अगर आयरन जो है वो आयरन थ्री ऑक्साइड बनाएगा, तो उसका क्या मतलब है कि आयरन इज Fe थ्री प्लस ऑक्सीजन इज O माइनस टू, तो ये बन जाएगा Fe2O3। तो आयरन की मर्जी है कि वो प्लस थ्री चार्ज बनाए या प्लस टू चार्ज बनाए। इसी तरह और भी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मुझे सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब जीरो है। जिसकी निकालने के लिए बोला है ना मैंने, उसकी आप पीरियोडिक टेबल से देख के डिसाइड नहीं करोगे। वैसे तो आप कहोगे कि सल्फर जो है वो ग्रुप सिक्स का है, ग्रुप सिक्स का है तो इसका मतलब है कि उसका उसके ऊपर जो वैलेंसी आएगी वो माइनस टू आएगी, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन जब भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहेगा, तो वो हमारे पास अगर उसने किसी सल्फर की निकालने के लिए कहा है, तो सल्फर की आप यहाँ से पीरियोडिक टेबल से देख के डिसाइड नहीं करोगे। बाकी जितने भी एलिमेंट इस कंपाउंड में, उनकी पीरियोडिक टेबल से देख के डिसाइड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम ग्रुप वन का है तो इसकी प्लस वन हो जाएगी, और दो सोडियम के एटम्स है ना तो मल्टीप्लाई बाय टू कर देना है इसको। इसी तरह सल्फर की हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मैंने अननोन ले ली एक्स, मुझे नहीं पता सल्फर की कितनी है क्योंकि उसको निकालना है। और ऑक्सीजन की हमने बोला कि ग्रुप सिक्स का है, माइनस टू होता है। अब ऑक्सीजन भी ग्रुप सिक्स का ही है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की निकालने के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं प्रोडक्ट टेबल से देखूंगा विच इज माइनस टू, और ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं इस फॉर्मूला में। ओवरऑल इसकी पूरी क्या बन रही है, जीरो। इसको जीरो से इक्वेट करा देंगे तो एक्स निकालोगे यहाँ से, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स वुड बी टू माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स हमारे पास रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस सिक्स वहां जाके हो जाएगा प्लस सिक्स। इट मीन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस सिक्स है, जो कि उसके ग्रुप के हिसाब से नहीं आ रही है। तो ऐसा भी होता है। ये वाला जो काम है ना हमारा, कि किसी भी कंपाउंड में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ये काम जो है ना अब सिलेबस में नहीं है। पहले था, हम लोग निकालते थे, अब हमें ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल रखना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, इसमें अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडेशन मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
तो वो आप निकाल सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है, ओवरऑल इसकी क्या है, जीरो है। मैंगनीज की निकालने के लिए बोला है तो उसको मैंने एक्स कह दिया। ऑक्सीजन की मैं प्रोडक्ट टेबल से देख लूंगा, प्रोडक्ट टेबल के हिसाब से ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो इसकी हो जाएगी -2। तो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो 2 × -2। मैंगनीज की मैंने ले लिया एक्स, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 × -4 = 0 एंड एक्स वुड बी +4। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड और होता है KMnO4। इसमें मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे निकालने के लिए कहूँ तो पोटेशियम ग्रुप 1 का है, आप उसके ले लोगे +1 और एक एटम है पोटेशियम का तो मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि मैंने लिखा नहीं। मैग्नीज का भी एक ही एटम है और इसकी मैंने अज्यूम की हुई है +x। इसी तरह ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन की एक प्रोडक्ट टेबल से ग्रुप 6 का है तो -2। ओवरऑल चार्ज इस पर हो जाएगा 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज लिखा हुआ ही नहीं है तो 0 है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 − 8 = 0, एक्स −7 = 0, 7 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा x+7। देखो साइन की इम्पोर्टेंस इसमें है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है या माइनस है। तो इस फॉर्मूले में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो है +7। समझ आती है यहाँ पे, किस यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अली, अदनान, कबीर, खदीजा, जी सर, मुनीर, विनय, जारा, ओके। अच्छा जी, फिर हाँ देखो हमारे पास कुछ रूल है ऑक्सीडेशन के। एक तो ये कि कोई भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट होगा ना, जैसे एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका आयन नहीं बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉपर हो गया, उसका चार्ज 0 होगा, वैलेंसी इन सब की 0 होगी अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है अपनी, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ओजोन हो गया, O3, सही है, नाइट्रोजन हो गया, N2। इसी तरह कोई और सिंपल मॉलिक्यूल जो कि डायटोमिक ना हो, ट्राइटोमिक हो, लेकिन उनका भी 0 होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया SO3, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, 0 होंगी, सिंपल मॉलिक्यूल है। इसी तरह ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी यूजली +1 होती है, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 3 की +3। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, जैसे हमने सल्फर का देखा ग्रुप 6 में है लेकिन वो -2 नहीं बना रहा बहुत सारे कंपाउंड्स में। इसी तरह ग्रुप 7 के क्लोरीन भी यही हरकत कर रहा होता है अक्सर, कि वो कभी कभार एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है, कभी कभार 3 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है, तो क्लोरीन में भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन पूरे कंपाउंड का सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मींस इट इज 0। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो सेम रहती है, ऑक्सीजन की चेंज नहीं होती है -2, वो -2 ही रहती है। ट्रांजिशन एलिमेंट की चेंज होती रहती है, ग्रुप 1, 2, 3 की भी चेंज नहीं होती है, वो जब हम पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट उठा रहे थे ना वही वाली बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंपाउंड बोलूँ NaClO, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो सोडियम इज +1, क्लोरीन को आपने बोला एक्स, क्लोरीन की पूछी है ना, और ऑक्सीजन इज -2। अब ये क्योंकि एक एक एटम था, सोडियम का भी 1 था, ऑक्सीजन का भी 1 था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय से 1 1 करा तो दिखाया नहीं वो करते हुए, तो ये हो जाएगा x − 1 = 0, x+1। तो यहाँ क्लोरीन की देखो +1 आ रही है। अब आप कहोगे कि क्लोरीन कि +1 तो आती नहीं, क्लोरीन तो गेन करता है, यहाँ पे क्लोरीन लूज कर रहा है, सही है, तो ऐसा होता है। इसी तरह एक कंपाउंड NaClO3 भी होता है। अब इसमें अगर मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तुमसे तो आप बोलोगे कि सोडियम इज +1, क्लोरीन की इसमें अगेन एक्स है, निकालनी है, अननोन है, और ऑक्सीजन की -2 O3 और 3
ऑक्सीजन के एटम्स है ना, 3 × -2 करूंगा इस बार, ओवरऑल जीरो है क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा +1x - 6 = 0, 1 - 6 = -5 = 0, तो x = +5. यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +5. तो आप बोलोगे क्लोरीन ने, एक तो क्लोरीन गेन करता है, क्लोरीन लूज भी कर रहा है यहाँ पे, वो भी एक नहीं बल्कि 5 इलेक्ट्रॉन, तभी तो +5 बनी ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है? कोई सवाल किसी का यहाँ तक? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आ रही हो पूछ लो माइक खोल के अपना। सर 0.6 का मतलब समझा दें आपसे। 0.6 is sum of all oxidation state in a compound is zero, मतलब overall oxidation state जो मैं zero रख रहा हूँ ना equals to करके, इसका मतलब ये है कि sum of all इन सबको add करने के बाद equals to के उधर मैं zero रख रहा हूँ, तो वो है सब इनका sum करके ना add करो इनको, तो इसका overall oxidation state जो आएगा किसी भी compound का, अगर कुछ नहीं लिखा तो it means it is zero, सही है? अच्छा वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, हैंस द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और उसी रिएक्शन में कुछ ना कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो रिड्यूस्ड भी हो रहा होता है, सच अ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है, तो ऑक्सीजन से कॉपर से ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर क्या हो गया रिड्यूस्ड, दिस इज रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सही है? और हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन आके ऐड हो गया और हाइड्रोजन वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो गई ऑक्सीजन की, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी देख सकते हो और वैलेंसीज भी देख सकते हो, वैलेंसीज देखना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेटर होता है कि हम वैलेंसीज से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में इसका चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, हाइड्रोजन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल है तो उसका चार्ज जीरो होगा, वाटर भी सिंपल मॉलिक्यूल है तो उसका चार्ज भी जीरो होना है, ओवरऑल तो सबके चार्जेस जीरो है। कॉपर ऑक्साइड में अगर मैं आपसे कॉपर का चार्ज पूछूं, ऑक्सीजन का तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि -2 ही होता है, ओवरऑल इनका जीरो है, तो कॉपर का कितना होना चाहिए +2, कॉपर देखो +2 है यहाँ पे, +2 से कॉपर जब प्रोडक्ट बना है तो +2 से जीरो हो गया है, तो +2 से जीरो जाना इसका क्या मतलब है, 0 + 1 + 2, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से जीरो की तरफ जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कब होती है जब रिडक्शन होती है, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अच्छा जरा एक मिनट दोगे मुझे गाइस,
हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई? देखो अली, क्वेश्चन इस टाइप के इसी में आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये पास पेपर का क्वेश्चन ही है। अभी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो कॉपर को देखो तो वो +2 से 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन से भी देख सकते हो, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से कॉपर से, तो रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, देखो अली अदनान, ये जो है ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। हाँ तो ये क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला। अच्छा जी, देखो इसमें आयरन कॉपर आयन्स के साथ CO2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और Fe2 पॉजिटिव आयन बना रहा है। अब अगर मैं लेफ्ट साइड पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो वो 0 है, 0 से वो हो गई है +2। इट मींस ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 0 से +2 जाना मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर ये चीज समझ नहीं आया तो नंबर लाइन बनाया करो। 0 है, +1, +2। तो 0 से +2 मतलब नंबर लाइन के राइट साइड पे जा रहा है ना, तो इट मींस दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो याद रखना ऑक्सीडेशन होता है, इट मींस आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसमें कॉपर किस लिए देखो, कॉपर +2 से 0 पे गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में आ गया है, तो वो +2 से 0 गया है। +2 से 0 जाना, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इट मींस रिडक्शन होती है। समझ आती है यहाँ तक बात? तो इसमें आयरन जो है वो क्या हुआ है, Fe से आयरन एलिमेंटल फॉर्म से Fe2 पॉजिटिव गया है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव से 0 गया है, और +2 से +0 गया है मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं उसने। और आयरन 0 से +2 गया है मतलब उसने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस्ड हो गए। कोई सवाल किसी का यहाँ तक, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इसमें अगर मैं देखूँ ना, कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आयरन जो है वो खुद ब खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा ना। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज करें तो किसी ने गेन करे होंगे उसके इलेक्ट्रॉन। तो जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज करें तो उसके इलेक्ट्रॉन किसने गेन करे? कॉपर ने। तो आयरन अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज करवाने वाला कौन है? कॉपर, जो कि खुद रिड्यूस्ड हुआ है। तो जो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है वो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसको क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है? है ना? और जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज होके किसी के पास गए होंगे, तो वो रिड्यूस्ड हो गया होगा। तो
जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसका क्या मतलब है कि उसने सामने वाले को रिड्यूस करा है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होगा। ये बात थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा दे, सही है, और खुद क्या हो जाए रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बने हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे वाले को रिड्यूस कराएंगे सामने वाले को, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स बट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ये बात समझ आई? कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ आई हो? तुम्हारा नाम क्या है जिसको समझ नहीं आई है? अपने नाम के साथ ज्वाइन करा करो, अपना नाम बताओ, ओप्पो के नाम से जो है। मुनीब देखो, अभी जो रिएक्शन हो रहा था जिसमें आयरन जो है वो कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट हो रहा है और आयरन बन रहा है Fe2+ और कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें से आयरन की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, Fe से Fe2+ में आया है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सही है। लेकिन कॉपर ऑन दी अदर हैंड, कॉपर ने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे तभी तो वो वापस Cu बना है, ठीक है। तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन ये अलग अलग तो खुद ही तो कॉपर रिड्यूस नहीं हो सकता ना, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन देगा आयरन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, मतलब जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ही कॉपर रिड्यूस्ड होगा। तो आयरन ने बेसिकली कॉपर को रिड्यूस करवाया है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होगा। तो आयरन जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, किसी सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है। अच्छा, जब उसको रिड्यूस कराएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, तो खुद अपने उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, गेन कहाँ से करवाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस करवा देगा, इसलिए इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह कॉपर को देखो तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, खुद रिड्यूस्ड हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन आयरन से छीन लिए, तो आयरन को उसने क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, तो कॉपर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा होगा। समझ आई अब बात? अच्छा जी, फिर हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाई रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। तो क्लोरीन देखो Cl2O है ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 में गया है, जीरो से -1 जाना इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर लाइन में पीछे की तरफ जा रहे हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कब क्या होता है, जब रिडक्शन होती है। क्लोरीन क्या होगा, रिड्यूस्ड हुआ है, मैं क्या बोलूंगा, Cl2 इज रिड्यूस्ड, और अलग से इसकी इक्वेशन बनानी होगी तो क्या करूंगा, Cl2 2Cl नेगेटिव, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाते हैं ना, यहाँ पे Cl2 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयोडाइड देखो -1 से 0 में गया है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मैं साथ में ये लिख सकता हूं कि आई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड
और इसकी इक्वेशन 2i नेगेटिव ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाएगा i2 और बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. हेंस दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. सही है. क्वेश्चन टू देखो, इसमें कह रहा है एक्वस हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसेस हाइड्रोजन परोक्साइड टू वाटर. ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड और ये इक्वेशन दी हुई है इसने, हाइड्रोजन परोक्साइड ये होता है H2O2 इज हाइड्रोजन परोक्साइड. क्वेश्चन में इक्वेशन देने के बाद कह रहा है एक्सप्लेन हाउ आयोडीन आयोडाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर आयोडाइड आयन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करना है तो इसका क्या मतलब है, वो किसी को रिड्यूस करवाएंगे, ठीक है, और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड. तो क्या आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, आई जो है वो आई नेगेटिव से -1 से आयोडीन की फॉर्म में I2 एलिमेंटल फॉर्म में जा रहा है, मतलब -1 से 0 की फॉर्म में जा रहा है. और -1 से 0 जाना मतलब नंबर लाइन पे राइट साइड पे जाना है, विच इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन. इट मींस आयोडाइड जो है वो खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो जब अगर ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इट मींस इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. So that's how you can explain as iodide has been oxidized itself. So it means it must be acting as a reducing agent. ये बताना था क्वेश्चन में. आई समझ बात. इसी तरह ये क्वेश्चन 3 है, ये आप लोग खुद कर लेना, ये भी वैसा ही है. फिर हमारे पास इस चैप्टर में हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम जो है वो याद करना है इनके कलर चेंजेस के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका फॉर्मूला होता है. ये जो है ना आपने इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका नाम भी याद रखना है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज कराएगा. जब ये ऑक्सीडाइज करवा देगा तो उसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन. ऑक्सीडाइज करवाने के बाद खुद ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, तो और इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज टू ग्रीन. और इसको हम चेक कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे तो ये खुद तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज टू ग्रीन. ये इक्वेशन बेशक याद नहीं करना के ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके साथ हो क्या रहा होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है. आपने बस नाम याद रखना है इसका फिलहाल, और इसका कलर चेंज याद रखना है ऑरेंज टू ग्रीन. इसी तरह हमारे पास एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट KMnO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसका कलर चेंज क्या होता है, ये भी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा देगा, और ऑक्सीडाइज करवाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, ठीक है, दिस इज पर्पल, इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. और फिर हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड. अली अदनान अभी रुको, दोबारा आते हैं उस पे, पहले ये सुन लो पूरा, जो याद करने वाली चीज है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड. इस एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और जब ये किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है कलरलेस टू डार्क ब्राउन. सही है. और डार्क ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि आखिरी सॉल्यूशन में आयोडीन बन जाती है I2, दिस इज I2. अच्छा यहाँ ये जो, अच्छा अभी फिलहाल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ना नाम याद कर लेना, इसके जब पास से पास करेंगे ना तो ये वहां पे यूज हो रहा होगा, वहां पे दोबारा रिकॉल करा देंगे. आयोडीन वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें पूछा गया था कि एक्वस हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसेस हाइड्रोजन परोक्साइड, तो जो आयोडाइड आयन है वो कैसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट
काम कर रहे हैं ये पूछा था रिएक्शन में, तो इट मींस वो खुद क्या होने चाहिए ऑक्सीडाइज्ड। तो हमने ये देख लिया था क्या क्या आयोडाइड आयन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वो आई नेगेटिव वन से आई टू जीरो बना रहा है, तो इट मींस कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, माइनस वन से जीरो जाने को क्या कहते हैं, इंक्रीज, माइनस वन जीरो प्लस वन, माइनस वन से जीरो जाना मतलब नंबर लाइन के आगे जा रहा है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आई नेगेटिव जो है वो आई टू बना रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आई नेगेटिव जो है वो आयोडाइड आयन जिसको कह रहे हैं उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे पता तुम्हें, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो खुद वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होगा, दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन इट। सही है अली अदनान?